हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। काम तो हम सभी लोग करते ही है, लेकिन काम के साथ साथ इंजॉयमेंट होना भी बहुत ही ज़रूरी है। और इंजॉयमेंट के लिए हम मूवीज़ देखना, गेम्स खेलना, ये सब चीज़ें करते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी का इतना विकास हो गया है कि हम लोग भी टेक्नोलॉजी के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम पबजी गेम की बात करें तो आज वो इतना प्रसिद्ध हो चुका है कि ये गेम सिर्फ बच्चों को ही नहीं, युवा पीढ़ी से लेकर सभी लोगों को बहुत ही पसंद आया है। पबजी के बारे में तो आप सभी लोग अच्छे से जानते ही होंगे, लेकिन आज मैं आपको पबजी और दूसरे गेम्स के बारे में ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी लोग पबजी अपने मोबाइल्स, लैपटॉप्स और कंप्यूटर में खेलते हैं, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि आखिर पबजी का नाम प्लेयर्स अननोन बैटल ग्राउंड ही क्यों रखा गया। इसके पीछे का राज बहुत ही कम लोग ही जानते हैं। पबजी गेम को ब्रेंडन ग्रीन ने बनाया था, और पबजी को बनाने से पहले वो आर्मा 2 गेम के काफ़ी शौकीन थे। उस गेम में उन्होंने अपना नाम प्लेयर अननोन रखा था। बाद में जब ब्रेंडन को इस नाम से काफ़ी ज़्यादा लगाव हो गया, तब उन्होंने पबजी गेम को बनाया, और इस वजह से इसे प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड कहा जाता है। और इस गेम को जीतने के लिए दूसरों को मारना ही पड़ता है। अगर आपको गेम के दौरान कोई भी दूसरा रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आप पानी के अंदर रहते हैं, तो अंडर वाटर में आपको कोई भी गोली नहीं मार सकता है। दुनिया का सबसे लोकप्रिय गेम आज पबजी बन चुका है। पृथ्वी पर सिर्फ पबजी ही ऐसा गेम है जिसे 13 लाख से ज़्यादा लोग खेलते हैं। इतने ज़्यादा लोगों का किसी एक गेम को खेलना कोई आम बात नहीं है। वैसे पबजी अपने गेम के नियमों का काफ़ी कदर करता है, और इसी वजह से ही उसे रोज़ाना कई प्लेयर्स को गेम से बैन करना पड़ता है। ये बहुत ही अजीब बात है, क्योंकि ज़्यादातर गेम्स की कंपनियाँ ऐसा नहीं करती है। किसी भी शूटिंग गेम में सबसे खतरनाक शॉट अगर किसी को माना जाता है तो वो हेडशॉट है। एक हेडशॉट पड़ते ही सामने वाला प्लेयर मर जाता है। बाकी बॉडी के शॉट के मुकाबले हेडशॉट 2.5 गुना ज़्यादा खतरनाक होता है। यानी कि किसी को अगर हेडशॉट पड़ता है तो उसका बचना बहुत ही मुश्किल होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि पबजी गेम को जीतने के बाद विनर विनर चिकन डिनर लिखा हुआ आता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि आखिर विनर विनर चिकन डिनर ही क्यों लिखा हुआ आता है। 19वीं शताब्दी में क्रास्प नाम का एक खेल खेला जाता था, जो कि एक तरह से जुए की तरह ही होता था। इसमें अगर कोई व्यक्ति जीत जाता था तो उसे विनर विनर चिकन डिनर कह के बुलाते थे। तो अगर देखा जाए तो एक बहुत ही प्राचीन प्रथा है जो कि आज के डिजिटल गेम में इस्तेमाल हो रहा है। पबजी गेम में आपको कुछ जगह ऐसे भी देखने को मिलेगी जो कि वास्तव में मौजूद है, यानी कि पृथ्वी पर मौजूद वास्तविक जगहों पर ही पबजी का मैप बनाया गया है, क्योंकि इसकी वजह से गेम और भी रियलिस्टिक लगती है। गेम में आप इरेंगल, सानुक जैसी जगहों को देख ही सकते हैं। अगर आप पबजी के गेम प्ले को 3D में रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो आप उसे बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। पबजी अपने प्लेयर्स को 3D रिकॉर्डिंग की सुविधा भी देती है। आप सभी ने बचपन में मारियो गेम तो खेला ही होगा, लेकिन इस गेम को बनाने वाले के बारे में आप नहीं जानते होंगे। मारियो गेम को शिगेरू मियामोटो ने बनाया था। इनके बारे में एक बहुत ही अद्भुत बात है कि जब भी ये काम करने के लिए आते हैं, तो उन्हें बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि अगर वो किसी वजह से काम करना छोड़ दे तो कंपनी को बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। अब आप जरा सोचिए कि अगर आपको लाइब्रेरी में पढ़ने की जगह वीडियो गेम खेलने के लिए दिया जाए, तो क्या आप लाइब्रेरी में जाना पसंद करेंगे। तो एक ऐसी ही लाइब्रेरी है जहाँ पर आपको तरह तरह की गेम खेलने के लिए मिलती है, और ये वीडियो गेम वाली लाइब्रेरी आपको अमेरिका में देखने को मिलेगी। वहाँ के विद्यार्थियों को पुस्तक पढ़ने के प्रोत्साहन के लिए लाइब्रेरी में डिजिटल गेमिंग की सुविधा दी गई है। तो क्या आपको लगता है कि स्टूडेंट गेमिंग के साथ पढ़ भी सकते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के ज़माने में अगर कोई गेम कंप्यूटर पर सबसे ज़्यादा खेला जाता है तो वो है ग्रैंड थेफ्ट ऑटो। आपको शायद ये जानकर यकीन ना हो, लेकिन इस गेम का पहले नाम रेस एंड चेस था। लेकिन इस गेम में पुलिस की गाड़ी गेमर का पीछा कर रही होती है, इस वजह से इसका नाम ये पड़ा। ज़्यादातर कंप्यूटर के गेम के मिशन लेवल बहुत ही ज़्यादा MB के होते हैं, लेकिन कंप्यूटर के लिए एक ऐसा गेम भी है जिसका मिशन सिर्फ 12 MB का होता है। जी हाँ दोस्तों, GoldenEye 007 नाम का एक गेम दुनिया का सबसे छोटा कंप्यूटर मिशन गेम है। गेम्स खेलने से दिमाग का विकास होता है। एक शोध से पता चला है कि गेम खेलने से हमारे दिमाग के अंदर मौजूद ग्रे मैटर का विकास होता है। गेम्स खेलने से ये भी फायदा होता है कि आपका कॉन्सेंट्रेशन किसी भी चीज़ में बढ़ता है, लेकिन ज़्यादा टाइम तक गेम खेलना भी नुकसानकारक होता है। क्या आप गेम्स खेलते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आप और भी अमेजिंग फैक्ट और रहस्यमय वीडियोज़ को देख सकें।